नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। पहले दिल्ली में कोचिंग सेंटर और अब जयपुर स्थित मकान के बेसमेंट में भरा पानी, मासूम समेत 3 की मौत। हरकत में आया प्रशासन, भिलवाड़ा में भी जांच के बाद सीज होंगे बेसमेंट। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का दिखने लगा असर। बीते 6 दिनों से सफाई नहीं होने के कारण जगह जगह लगे गंदगी के ढेर। मांडल में भी कर्मचारियों ने पंचायत पर किया प्रदर्शन। अतिक्रमण हटाने अजमेर चौराया पहुंचा दस्ता, मचा हड़कंप, बारिश की वजह से कार्रवाई में देरी। विभिन्न मांगों को लेकर राशन डीलरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू, 100 पाखियां पर। बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार संबंधित जागरूकता के लिए विश्व स्तनपान सप्ताह का आयोजन शुरू। दिल्ली के बाद जयपुर में बेसमेंट में पानी भरने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत से देश भर में हड़कंप मचा है। भिलवाड़ा में भी बेसमेंट में पानी भरने से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जरूर मूक दर्शक बने हैं। कई कॉम्प्लेक्सों में तो बरसात के बिना भी लगातार पानी की आवक होती है, जिससे उनकी नींव कमजोर होने के साथ ही कभी भी वे धराशायी हो सकते हैं। नगर परिषद और नगर विकास न्यास ऐसे कॉम्प्लेक्सों को खुली छूट दिए हुए हैं, जहां पार्किंग या गोडाउन बताया हुआ है, लेकिन उनमें व्यवसायिक गतिविधियां चल रही है और कई जगह तो शादी विवाह और छोटी बड़ी पार्टियां भी होती रहती है। दिल्ली में कोचिंग सेंटर के कॉम्प्लेक्स में पलक झपकते ही 3 छात्रों की पानी भर जाने से मौत हो गई थी, और ऐसा ही हादसा जयपुर में हुआ है, जहां भी 2 मासूम सहित 3 लोगों की मौत हो गई। इन मौतों से हर किसी में दहशत पैदा हुई है, लेकिन सरकारी महकमों के जिम्मेदार ऐसे मामलों की भिलवाड़ा में अनदेखी किए हुए हैं। आजाद चौक, सूचना केंद्र, शाम की सब्जी मंडी, गांधीनगर, सिंधु नगर के साथ ही ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां कॉम्प्लेक्सों के बेसमेंट में पानी भरता है, लेकिन जांच और कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति होकर रह जाती है। तकनीकी जानकारों का कहना है कि जिन कॉम्प्लेक्सों में लगातार पानी भरा रहता है, उनकी नींव और पिलर कमजोर होते जाते हैं। लोहे में आखिर जंग तो लगता ही है, और ये जंग कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकता है। इस संबंध में नगर परिषद सभापति राकेश पाठक से बात की तो उनका कहना था कि दिल्ली और जयपुर में हुए हादसे के बाद अब बेसमेंटों की जांच की जा रही है और खराब स्थिति वाले बेसमेंट को आजकल में सीज किया जाएगा। इसके लिए एक टीम का गठन किया जा रहा है, उन्हें तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए हैं। सड़क निर्माण के दौरान सालों से बढ़ती जा रही लापरवाही के कारण जयपुर में 3 लोगों की जान चली गई। हादसा बुधवार रात तेज बारिश के दौरान एक मकान में पानी भरने के बाद हुआ। मृतकों में एक 6 वर्षीय मासूम सहित 2 अन्य शामिल है। ये सभी बिहार के रहने वाले थे और इनके पिता जयपुर में ही फैक्ट्री में कार्य करते थे। सफाई कर्मचारियों के गुरुवार को 6 दिन भी हड़ताल जारी है। इसके चलते शहर की सफाई व्यवस्था बेपटरी हो चुकी है, जगह जगह कचरा फैला हुआ है। बीते 6 दिन से शहर में सफाई नहीं होने के कारण सड़कों, गलियों और बाजारों में गंदगी का अंबार है, जो कि उठ नहीं सका। घरों के साथ ही बाजारों में भी अब दुकानदारों को अब कचरे की बदबू आने लगी है, जिससे लोगों का सांस लेना भी दुभर हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ नगर परिषद प्रशासन द्वारा शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर अभी तक कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। सड़कों पर लगे कचरे के ढेर को हटाने के लिए अपने स्तर पर कोई प्रबंध नहीं कर रहा, तो शहर वासियों को डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों को लेकर भी शहर में खतरा बना हुआ है। ऐसे में अगर सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म नहीं हुई तो शहर की सफाई व्यवस्था का बुरा हाल हो जाएगा। ऐसे में शहर की सफाई नहीं होने से और भी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ गुरुवार को भी सफाई कर्मचारी अभी हड़ताल जारी रखी। दरअसल प्रदेश भर के सफाई कर्मचारी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। आने वाले दिनों में अगर सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी रहती है तो गंदगी की समस्या विकराल रूप ले सकती है। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए अभियान की शुरुआत गुरुवार से की गई। कार्रवाई के लिए पुलिस प्रशासन के साथ ही नगर परिषद व UIT का अलवाजमा अजमेर चौराहे पहुंचा। एकाएक टीम के पहुंचने से वहां हड़कंप मच गया। हालांकि प्रशासन ने बुधवार को ही अवगत करा दिया था कि 1 अगस्त से अजमेर चौराहे से आरजिया चौराहे तक सड़क के दोनों ओर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले 25 जुलाई को कलेक्टर नमित मेहता और SP राजन दुष्यंत ने ट्रैफिक समस्या को देखते हुए भिलवाड़ा की प्रमुख सड़कों को क्लियर करने के उद्देश्य से रोड मैप बनाया था, और उसी शाम को नगर परिषद, UIT, प्रशासन, पुलिस की टीम ने संयुक्त निरीक्षण कर व्यापारियों को समझाया और अतिक्रमण हटाने की अपील की।
अतिक्रमण पर मार्किंग की गई। ऐसे में गुरुवार को बारिश के चलते पूर्व निर्धारित समय पर टीमें नहीं पहुंच पाई, लेकिन शाम को जब अचानक भारी भरकम लवाजमा पहुंचा तो हड़कंप मच गया। हाँ जी, अगर आप भिलवाड़ा में और प्रीमियम होम डेकोर आइटम्स और आर्टिफैक्ट्स ढूंढ रहे हो अपने घर, ऑफिस या रेस्टोरेंट के लिए, जहां पे आपको मिल जाए दिल्ली मुंबई जैसे इंपोर्टेड आर्टिफैक्ट्स, तो मैं आपके लिए हूँ बहुत ही शानदार लोकेशन जिसका नाम है आर्ट्स एंड क्राफ्ट, जो कि डांगी फैक्ट्री के जस्ट पास में कुंभा सर्कल रोड पे। यहां पे आपको 200 से लेके 1.5 लाख रुपए की रेंज के आइटम्स मिल जाएंगे, और यहां पे आपको फाउंटेन, आर्टिफिशियल प्लांट्स, पेंटिंग्स तरह की बहुत सारी चीजें मिलेगी होम डेकोर की। तो शेयर कर दो रील अपने सारे दोस्तों एंड फैमिली वालों। शहर, गांव और देश प्रदेश की हर ताजा खबर अब तत्काल आपके भरोसेमंद भिलवाड़ा हलचल, भिलवाड़ा का पहला न्यूज पोर्टल। भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप पर अखबार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करें भिलवाड़ाहलचल.com। समाचार व वीडियो भेजें मोबाइल नंबर 7737741455, भिलवाड़ाहलचल@gmail.com। राजस्थान राज्य राशन विक्रेता संघर्ष समिति द्वारा लंबे समय से 4 सूत्रीय मांगों को लेकर चल रहा संघर्ष अब हड़ताल में तब्दील हो गया है। जिला अध्यक्ष जुगल किशोर ने बताया कि 4 सूत्रीय मांग, जिसमें मानदेय 30,000 रुपए करने, 2% छीजत दिलवाने, बकाया कमीशन राशि दिलवाने, KYC एवं सीडिंग की गई राशि दिलवाने की मांग मुख्यमंत्री को भेजे गए ज्ञापन में की गई है। एसोसिएशन के मुश्ताक अहमद ने कहा कि काफी बार ज्ञापन देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होने से राशन विक्रेताओं में आक्रोश व्याप्त है, जिसे लेकर राशन विक्रेता हड़ताल पर बैठ गए हैं। हड़ताल में संघर्ष समिति के सदस्यों में नारायण सिंह राव, संजय खटीक, मुकेश खोईवाल, महावीर राठी, कालूलाल कुम्हार, ईश्वर चंद शर्मा, ज्ञानमल डीडवानिया, अमित डाड सहित राशन डीलर शामिल है। हमारी मांग है राज्य सरकार से, खाद्य आपूर्ति मंत्रालय से, हमारी मांग है 30,000 रुपए मंथली देना, 2 किलो छीजत प्रति क्विंटल लेना, ये हमारी मांग है। और 6 महीने से हमें कम से कम पैसा नहीं मिल रहा है, 6 महीने से, वो भी हमारी मांग है कि 6 महीने का हमारा वेतन जो बाकी है वो दिलवाया जाए। और कल 2 तारीख को इससे उग्र आंदोलन होगा, 2 तारीख को। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो अगला कदम आप लोगों का क्या रहेगा? रेगुलर हमारी हड़ताल चलती रहेगी, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो रेगुलर ये हड़ताल और राशन की दुकानें बंद रहेगी। पब्लिक परेशान हो या ना हो ये सरकार जाने और सरकार का काम जाने। 1 अगस्त से राशन डीलर पूरे राजस्थान में टोटली डीलर स्ट्राइक पे गए हैं। उनकी 4 हमारी प्रमुख मांगे हैं, राज्य सरकार को हमने कलेक्टर साहब के माध्यम से अवगत करा दिया गया है। अगर राज्य सरकार हमारे बारे में सकारात्मक सोच नहीं रखती है तो हम भी कंटिन्यू हड़ताल पर रहेंगे। पब्लिक परेशान होगी तो पब्लिक, जनता जब सरकार सुन लेगी उसके बाद ही हमारा कोई समाधान निकाल पाएगी, तभी हम लोग हमारी स्ट्राइक खत्म करेंगे, ये हमारा आह्वान है। कितने राशन डीलर है जिले से जो आज हड़ताल पर बैठे? अभी भिलवाड़ा जिले में 876 राशन डीलर टोटल है जिले में, उनमें से 96 भिलवाड़ा शहर में। अभी टोटल जिले के डीलर स्ट्राइक पे है, सभी लोगों ने अपनी अपनी पोस्ट पेशने लोक स्तर पर जमा करवा दी है। देश में शिशुओं के लिए स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए इस वर्ष की थीम क्लोजिंग द गैप ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट फॉर ऑल के संबंध में प्रसव केंद्रों पर बच्चे के जन्म के पश्चात शीघ्र स्तनपान एवं नई माताओं को सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए जिले में विश्व स्तनपान सप्ताह का आयोजन 1 अगस्त से शुरू किया गया है। स्तनपान हर नवजात के लिए अमृत तुल्य होता है। माँ का दूध बच्चे के लिए संपूर्ण व सर्वोत्तम आहार माना जाता है। इसमें बच्चे के पोषण के लिए आवश्यक सभी चीजें इसमें समाहित होती है। प्रहलाद तेले की रिपोर्ट। बक्ता बाबा रोड पर बगीचे के पास पोल में करंट फैलने से गाय की मौत हो गई। श्रीराम गो सेवा समिति के लोगों ने विद्युत विभाग में सूचना दी, लेकिन कोई मौके पर नहीं पहुंचे। समिति के अध्यक्ष राम बाबू ने बताया कि शहर में हाल ही में करंट से 4-5 गायों की मौत हो चुकी है। इस बारे में बिजली विभाग व प्रशासन को भी समिति द्वारा ज्ञापन दिया गया, लेकिन ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए कोई प्रयास अब तक नहीं किए, जिससे ये घटनाएं लगातार हो रही है।
उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि विद्युत विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को आदेशित करें कि जिन विद्युत खंभों में करंट फैल रहा है उनकी जांच कर निराकरण करें, जिससे किसी की करंट से मौत ना हो। संपत मालिक की रिपोर्ट। बक्ता बाबा रोड पर जो बगीची है, बगीचे के यहाँ एक विद्युत पोल है, उससे एक गाय माता की मृत्यु हो गई है करंट आने से। संबंधित अधिकारियों को फोन किया, उन्होंने उठाया नहीं। संबंधित सिक्योर डिपार्टमेंट जो था वो आए हैं, गाड़ियां उनकी आई है, उन्होंने करंट को बंद किया है। हमने चेक किया, गाय को करंट आने से ही मौत हुई है। ये लापरवाही पिछले 2 महीने से आ रही है। 3 और 4 जुलाई को भी 4 गायों की मृत्यु करंट से हुई थी, उसमें भी बिजली विभाग को, ADM साहब को, ADM सिटी को, सबको हमने ज्ञापन भी दिया था श्री राम गौ सेवा समिति द्वारा, और उनको बताया गया था हमने हमारे द्वारा कि बिजली में करंट जो आता है बारिश के दिनों में, बिजली का करंट ज्यादा बढ़ जाता है। आपसे निवेदन है कि बारिश के दिनों में विशेष ध्यान रखें। मांडल ग्राम पंचायत गेट पर प्रदर्शन कर सरपंच हाय हाय के नारे लगाकर वाल्मीकि समाज की महिला सफाई कर्मचारियों ने झाड़ू डाउन कर प्रदर्शन किया। महिला सफाई कर्मचारियों ने बताया कि मांडल ग्राम पंचायत द्वारा 180 रुपए की दर से सफाई कर्मचारियों को वेतन दिया जा रहा है, जबकि नरेगा में 200 रुपए दिए जाते हैं। सफाई कर्मचारियों ने बताया कि कई बार हम लोगों ने सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी को हमारे वेतन में बढ़ोतरी करने की मांग की गई, लेकिन हमारी एक नहीं सुनी जा रही है। और हम लोग पूरे कस्बे की साफ सफाई करते हैं और 2 समय कचरा उठाते हैं, जिसका वेतन हमें कई वर्षों से सिर्फ 180 रुपए प्रतिदिन मिलता है, जो कि नरेगा में जाने वाले श्रमिकों से भी कम है। इसलिए सभी अस्थायी सफाई कर्मचारियों ने सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी से मांग की है कि हमारा वेतन 350 रुपए प्रतिदिन किया जाए। अभी मिलने वाले वेतन से हमारे परिवार का गुजर बसर नहीं हो पा रहा है और हमें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर हमारा वेतन नहीं बढ़ाया गया तो हम लोग आज से सफाई का कार्य नहीं करेंगे। कहीं नो जो 350 रुपए की रेट छाओ माँ के और नाड़ी नाड़ो सब काटा मिली कचरा को टेम्पू करा माँ को घर खर्चा भी नो पूरे ही पड़े ही कोने एक बाकी तनखा बढ़ो सरपंच साहब यही निवेदन है। शहर गांव और देश प्रदेश की हर ताजा खबर अब तत्काल आपके भरोसेमंद भिलवाड़ा हलचल, भिलवाड़ा का पहला न्यूज पोर्टल। भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप पर अखबार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करें भिलवाड़ाहलचल.com। समाचार व वीडियो भेजें मोबाइल नंबर 7737741455 भिलवाड़ाहलचल@gmail.com। उदयपुर से दिल्ली के लिए 800 किलोमीटर की पशु प्रेम संदेश यात्रा लेकर निकली डिंपल भावसार का भिलवाड़ा पहुंचने पर स्वागत किया गया। संस्था के रवि भावसार ने बताया कि ये यात्रा UAF की संस्थापक डिंपल भावसार के द्वारा निकाली जा रही है, जो एक गृहिणी होते हुए भी पशु प्रेम का संदेश लेकर साइकिल से 800 किलोमीटर का सफर तय करेगी ताकि पशुओं पर हो रही क्रूरता को रोका जा सके। यह यात्रा देश के विभिन्न 20 शहरों से होती हुई दिल्ली तक जाएगी। हाल ही में भिलवाड़ा के कोटड़ी क्षेत्र में हुए गोवंश पर एसिड अटैक की घटना को लेकर ज्ञापन देने पहुंची डिंपल ने बताया कि यात्रा का उद्देश्य पशुओं और पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना है। इसके तहत मार्ग में आने वाली 50 विद्यालयों के 25,000 छात्रों को पशु प्रेम के प्रति जागरूकता का संदेश दिया जाएगा। मिराज ग्रुप व हैप्पी एंड चॉइस वेलफेयर सोसाइटी मिलकर इस मार्ग में 50,000 पौधे भी लगाएंगे। इस मौके पर हैप्पी एंड चॉइस वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक रवि भावसार ने बताया कि संस्था द्वारा अन्य कई प्रोजेक्ट जैसे रेबीज मुक्त भारत, मिशन जीरो हंगर, गोपाल वाहिनी, प्रोजेक्ट प्यास, प्रोजेक्ट सुरक्षा, प्रोजेक्ट जीववाणी, प्रोजेक्ट शिक्षा, प्रोजेक्ट वृक्षारोपण आदि भी चला रही है। भिलवाड़ा में यात्रा का सूचना केंद्र पर भव्य स्वागत करते हुए हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें शहर के पशु प्रेमियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मेरा नाम श्रीमती डिंपल भावसार है और मैं पशु प्रेम संदेश यात्रा लेकर उदयपुर से 28 जुलाई को निकली हूँ। हमारी यात्रा दिल्ली तक जाएगी। हमारा उद्देश्य है जो देश में गो हत्या, गो तस्करी और गो मांस के निर्यात में जो भारत देश दूसरे नंबर पर आ रहा है उसको रोकना, साथ ही पशु क्रूरता में हम लोग देखते कि जो भगवान है हमारे सारे वो कहीं ना कहीं पशु को उन्होंने अपना वाहक बना रखा, वहीं देश में जो पशु क्रूरता बढ़ती जा रही है उसको रोकना, साथ ही प्रकृति को लेकर हम हर स्कूल में जा रहे हैं, 50 स्कूलों में जा रहे हैं
है जहाँ पर पौधारोपण करवा रहे हैं और हमारा लक्ष्य है कि हम 50,000 सिग्नेचर लेकर इंडिया गेट या फिर लाल किले पर एकत्रित होकर सारे पशु प्रेमी को एकत्रित होकर अपना आपकी सबकी आवाज वहाँ पर बने। आज के संबंध में कलेक्ट्री में आप उपस्थित हैं। 28 जुलाई को जो यहाँ पर गौ माता पर एसिड डाला गया था, ऐसी ही घटना है क्योंकि गाय का दूध तो सब पीते हैं, गौ माता सबकी है, केवल एक धर्म के नाम पे गौ माता नहीं, लेकिन गौ माता के साथ जो अत्याचार किया जा रहा है, एसिड डाल के जो घटना हम लोग देख रहे हैं वो बहुत ही निंदनीय घटना है। इसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारी टोटल 7 सदस्य है, जो एक गाड़ी है हमारे साथ में जिसमें पौधे हैं और एक मैनेजमेंट टीम है। श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति के तत्वावधान गणेश महोत्सव की तैयारियां जोरों से शुरू हो गई है, जिसके तहत समिति द्वारा गणपति प्रतिमाओं का निर्माण कार्य जोरों शोरों से शुरू कर दिया गया है। समिति मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि इंदौर से आए प्रमुख मूर्तिकार ब्रजमोहन के नेतृत्व में 5 मूर्तिकारों द्वारा समिति द्वारा छोटी व बड़ी 300 गणपति प्रतिमाएं तैयार करवाई जा रही है, जो पूरी तरह से इको फ्रेंडली है, जिसमें जूट मिट्टी व नेचुरल कलर का उपयोग कर बनाई जा रही है। इको फ्रेंडली होने से गणपति प्रतिमाओं को जलाशय में विसर्जन करने पर प्रदूषण नहीं होगा। अध्यक्ष दलाल संदानी एवं कोषाध्यक्ष सुभाष अग्रवाल के अनुसार भीलवाड़ा जिले सहित 5 जिलों में गणपति की मूर्तियां वितरित की जाएंगी। समिति द्वारा 5 फीट व 1.5 फीट की गणपति प्रतिमाओं को मूर्तिकारों द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है, जो 7 दिसंबर के दिन गणेश चतुर्थी को वितरित की जाएगी। गणपति प्रतिमाओं का विभिन्न गणपति आयोजन समितियां मोहल्ला संस्थाओं द्वारा गणेश महोत्सव आयोजन हेतु प्रतिमाओं का पंजीयन प्रारंभ कर दिया गया। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।